If you like the my giving videos, tree, then subscribe how do we my feel channel. When you help someone, यानी कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं. How do we feel when you share your things with other, यानी कि जब आप अपने चीजों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो आपको कैसा लगता है. Read this play, यानी कि इस कहानी को पढ़े to know, जानने के लिए how a tree feels, यानी कि पेड़ कैसा महसूस करता है. When it helps a boy, जब वह एक बच्चे की मदद करता है. नरेटर कथाकार, अब कहानी स्टार्ट होता है. वंस देयर वॉज ए ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय, यानी कि एक पेड़ था जो एक छोटे बच्चे को क्या प्यार करता था. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी, यानी कि प्रत्येक दिन बच्चा उसके पास आता था और उसके साथ कंपनी मतलब साथ का वो आनंद लेता था. ट्री कम हेयर माई बॉय, पेड़ भी बोलता था यहाँ आ जाओ मेरे बच्चे. कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, यहाँ आओ और मेरे तने पर चढ़ जाओ. स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी डालियों पर तुम झूलो. अब लड़का, बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांच, आह व्हाट फन, लड़का अब डालियों पर झूलता है और बोलता है बहुत मजा आया. ट्री आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो. ईट माई एप्पल्स, तुम मेरे सेब को खा लो. बॉय ईटिंग एप्पल, हाउ डिलीशियस, लड़का सेब खाता है और बोलता है कितना स्वादिष्ट है. नरेटर, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड, यानी कि जब लड़का थक जाता था. ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे ही सो जाता था. द ट्री वाज हैप्पी टू गिव इट शेड, यानी कि पेड़ भी खुश था उसको अपनी छाया देकर. बट टाइम वेंट बाय, लेकिन यह समय बीतता चला गया. एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे, यानी कि लड़का अब बड़ा हो गया और वहां से चला गया. द ट्री वॉज ऑफन एलोन, अब पेड़ भी क्या हो गया, अकेला हो गया. After some year, कुछ समय के बाद, one day the boy come to the tree and the tree was very happy. यानी कि कई सालों के बाद वह लड़का एक दिन फिर पेड़ के पास आया और पेड़ उसे देखकर काफी खुश हो गया था. Trin come my boy, यहाँ आओ मेरे बच्चे. Come and climb up my trunk and swing from my branches, यानी कि तुम मेरे पास आओ बच्चे, मेरे क्या करो, मेरे शाखाओं पर चढ़ो, मेरी डालियों पर तुम झूलो. Why I am too big to climb and play, यानी कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ चढ़ने और झूलने के लिए. I want to buy things and have fun, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं चीज़ें क्या करूँ, खरीदूँ और मजे करूँ. I want some money, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है. Can you give me some money, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो. Tree, I am sorry, मुझे माफ़ कर दो. But I have no money, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है. I have only leaves and apples, मेरे पास केवल पत्तियाँ और सेब है. You can pluck my apples and sell them in the market, यानी कि तुम मेरे सेब को तोड़ लो और बाजार जाकर उसे बेच डालो. Then you will have money, तब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे. नरेटर, अब कथाकार बोलता है. The boy happily plucked the apple and carried them away, यानी कि अब लड़का खुशी पूर्वक उसके सेब को तोड़ता है और वहां से चला जाता है. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, यानी कि पेड़ भी खुश था. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड, लेकिन बच्चा अब उसे काफी लंबे समय के लिए वहां से स्टे यानी कि चला गया था, जिस कारण से पेड़ उदास था. वन डे, एक दिन द बॉय कम बैक एंड द ट्री सुक विथ जॉय, यानी कि एक दिन लड़का फिर आया और पेड़ उसको देख कर सुक यानी कि खुशी पूर्वक क्या किया, आनंदित हो गया, यानी कि वो खुशी से मचल गया, यानी कि वो खुशी का दिखावा करने लगा. ट्री बोलता है, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, यहाँ बच्चे मेरे तने पर चढ़ जाओ. स्विंग माई ब्रांचेस, मेरी क्या करो, डालियों पर झूलो. ईट माई एप्पल, मेरे सेब को खाए. प्ले इन माई शेड, मेरी छाया में तुम खेलो. एंड बी हैप्पी, और खुश रहो. Why I am too busy to climb tree, यानी कि मैं पेड़ पर चढ़ने के लिए अब मैं काफ़ी व्यस्त हूँ. I am getting married, अब मेरी शादी हो गई है. I need a house, अब मुझे घर की आवश्यकता है. For my wife and children, मेरे पत्नी और बच्चों के लिए. Can you give me a house, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो. Try, I have no house, but you may cut off my branches and build a house, यानी कि तुम मेरे क्या करो, मेरी शाखाओं को काट लो और अपने लिए घर बना लो. नरेटर कथाकार, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेज एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस, यानी कि जैसे ही पेड़ ने कहा ठीक वैसे ही क्या किया, बच्चे ने उसकी डालियों को काट लिया और अपने लिए
घर बनाने के लिए उसे लेकर वहां से चला गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ बहुत खुश था, बट द बॉय स्टेड अवे। अब लड़का क्या किया, अब लड़का फिर से उससे दूर चला गया फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद। एंड द ट्री वॉज सैड, पेड़ भी काफ़ी उदास हो गया कि लंबे समय तक उसने लड़के को नहीं देखा। बट वेन ही कम बैक आफ्टर सम ईयर्स, यानी कि कुछ सालों के बाद जब वो वापस आया, द ट्री वॉज सो हैप्पी, पेड़ काफ़ी खुश हो गया, डैट इज कुड हार्डली स्पीक, अब वो बहुत ही मुश्किल से बोल पाया। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब वो लड़का काफ़ी नौजवान हो गया था। कम बॉय कम, वॉट कैन आई डू फॉर यू, यहाँ आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप, यानी कि मैं बिजनेस यानी कि मैं व्यापारी की यात्रा पर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट ए बोट टू मेक मी अवे, यानी कि मुझे नाव की आवश्यकता है मुझे अपनी मंजिल पर जाने के लिए। कैन यू गिव मी बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। फिर बोलता है, ऑल आई हैव लेफ्ट इन अ ट्रंक, हाँ तुम मेरे तनाव को तने को लेकर चल जाओ। कट माई ऑन ट्रंक एंड मेक ए बोट, तुम मेरे तने को काट लो और अपने लिए एक नाव बना लो। देन यू कैन सेल अवे, तब तुम यहाँ से चले जाना अपनी मंजिल के पास। नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्रीज एंड सेल अवे इन ए बोट, यानी कि वह नौजवान आदमी तने को काट डाला और अपने लिए नाव बनाया और वह वहाँ से चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, अब पेड़ क्या बच गया, अब पेड़ ठूठ हो गया और वहाँ पर खड़ा रहा, यानी कि पेड़ अब ठूठ बचा था। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय के बाद, द यंग मैन कम बैक अगेन, वह नौजवान आदमी फिर उसके पास आया। नाउ ही वॉज ओल्ड मैन बट द ट्री रिकोगनाइज्ड हिम, यानी कि अब वह बूढ़ा था लेकिन पेड़ उसको रिकोगनाइज यानी कि पहचान गया। ट्री आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, पेड़ बोलता है मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, लेकिन मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। माई एप्पल आर गॉन, मेरे सेब चले गए हैं ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल, यानी कि मेरे दांत काफ़ी कमजोर है सेब के लिए। ट्री माई ब्रांचेज आर गॉन, मेरी डालियाँ भी चली गई है। यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, तुम इस पर झूल नहीं सकते हो बूढ़ा आदमी। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज, अब मैं झूलने के लिए बूढ़ा हो गया हूँ। ट्री माई ट्रंक इज गॉन, मेरे तना भी चले गए हैं। यू कैंट क्लाइम, तुम इस पर चढ़ भी नहीं सकते हो। ओल्ड मैन आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, यानी कि मैं चढ़ने के लिए काफ़ी थक गया हूँ। ट्री सिंगिंग, यानी कि पेड़ अब विलाप करते हुए, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, आई विश डेट आई कुड गिव यू सम थिंग्स, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दूँ, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, यानी कि मैं अब एक बूढ़ा सा ठूठ पेड़ ही बचा हूँ। आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, बूढ़ा आदमी बोलता है, डियर ट्री प्रिय पेड़, यू हैव ऑलवेज गिवेन, यानी कि तुमने मुझे हमेशा ही दिया है, बट नाउ आई डिड नॉट नीड मच, लेकिन अब मुझे कुछ चीज मैं अब मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। जस्ट अ क्वाइट पैलेस टू सीट एंड रेस्ट, अब मुझे एक शांत जगह चाहिए बैठने और आराम करने के लिए। ट्री हैप्पली खुशी से बोलता है, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सीटिंग एंड रेस्टिंग, और अब पेड़ बोलता है कि ये जो बूढ़ा जो स्टम्प यानी कि ये जो स्टम्प यानी कि पेड़ का जो समतल हिस्सा होता है वो बैठने और आराम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कम फ्रेंड आओ मेरे दोस्त, सीट एंड रेस्ट, यानी कि मेरे पास बैठो और आराम करो। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड, बूढ़ा आदमी ऐसे ही करता है। एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी, और पेड़ फिर भी संतुष्ट था कि उसने अपनी दोस्त की मदद की। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक बाय बाय।